राजमहल टीवी दे प्रोग्राम नजरिया विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ बलजीत सिंह, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। प्यारे दर्शकों, पंजाब विच एक बहुत ही अहम घटनाक्रम के तहत पंजाब दे वारिस जत्थेबंदी वालों खालसा विहीर नाम का एक काफिला कढ़िया गया, जिसका आगाज़ श्री अकाल तख्त तो होया और बड़ी गिणती दे विच नौजवानों ने ते होर संगत ने उस दे विच हिस्सा लिया। 13 पड़ावों तो हुंदा होया ये काफिला 30 दिन के बाद तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब विखे पहुँचेगा। जदों इस काफले की अगवाई करने वाले यानी इस काफले के रहनुमा पूछा गया अमृतपाल सिंह कि इस खालसा विहीर का मनोरथ की है, तो उन्होंने कहा कि असी धर्म प्रचार के पुरातन ढंग मुड़ सुरजीत कर रहे हैं और जिथे जिथे पड़ा हो गए 13 पड़ा, पहला पड़ा जोड़ा पड़ा है वो जंडियाला गुरु किया गया कि उत्थे अमृत संचार किया जाएगा और धर्म प्रचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुरातन ढंग यहोजा सीगा कि इस तरह ही मतलब विहीर लैके धर्म प्रचार किया जाता हुंदा सी। पर सवाल यह है कि पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां कीतियां और बड़ी दूर दूर तक वो गए, इतों तक कि मक्का मदीना भी वो पहुँचे, बगदाद च गए और होर भी बहुत सारे मुल्कां दे विच उन्होंने यात्रा की, जिसका मूल मनोरथ धर्म प्रचार ही सी, पर उन्होंने नाल कोई लाम लश्कर नहीं सी। उन्होंने जद लोड़ नहीं समझी कि धर्म प्रचार वास्ते किसी लाम लश्कर वहीर या काफले की जरूरत होंगी है, तो फिर अमृतपाल सिंह नूं ऐसी की मतलब लोड़ महसूस हुई। और उस तो बाद भी जिन्हें गुरु साहिबान होए उन्होंने भी कदे यह जरूरत नहीं समझी कि कोई लाम लश्कर लैके धर्म प्रचार किया जाए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आनंदपुर की धरती उत्ते जदों खालसे की सिरजना की, तो उस वेले एक इकट्ठ बुलाया गया, वह खुद किसी भी लाम लश्कर नूं नाल लैके धर्म प्रचार करने वास्ते नहीं गए। इस तरह ही 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी भी इकल्ले ही जाते रहे। दूसरी गल यह है कि अमृतपाल सिंह दे संबंध में बहुत सारे लोग इस तरह गल्लां कर रहे हैं कि यह जिहड़ा खालसा मार्च है जां खालसा वहीर है, इस नूं सिर्फ इस करके मतलब होंद च लिआंदा गया तां जो अमृतपाल सिंह नूं सिख कौम दे बहादुरां नूं मां वजों प्रचारिया जाए। लेकिन दूजे पासे बहुत सारे होर भी सवाल खड़े हुए ने। उन्होंने कहा कि जिहड़ी इह पंजाब दे वारिस नामक जत्थेबंदी है यह दीप सिद्धू ने बनाई सी और मैं उस वेले पासे पर्दा रह के यानी पिठ पिछे काम करदा रहा। लेकिन दीप सिद्धू दे भरा दा जो बयान आ उह यह है कि दीप सिद्धू ने तो अमृतपाल सिंह का जिहड़ा नंबर सी उही ब्लॉक कर छड्डिया सी और दीप सिद्धू दे मौत दे समय अफसोस करन वेले भी अमृतपाल सिंह नहीं पहुँचे, संस्कार ते नहीं पहुँचे, फिर उन्हां दे भोग ते नहीं पहुँचे। हुण सारा मामला है कि इहदे तह तक जाण दी जरूरत है। गौरतलब है कि जदों एजेंसीज किसी व्यक्ति नूं उभारदियां ने तां उन्हां दा तयशुदा ढंग तरीका हुंदा, पहलां उस व्यक्ति नूं मुकम्मल तौर पर पूरी ट्रेनिंग दे के तैयार किया जाता कि उन्हें कदों कित्थे की कहना। और एक होर अहम घटनाक्रम जो वापरिया वो ये है कि पंजाब पुलिस दे एक ACP वालों अमृतपाल सिंह दे खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है, FIR लॉज की गई है, जिस विच कहा गया है कि अमृतपाल सिंह ने सोशल मीडिया से कोई अजिहियां वीडियो पाईयां ने जिदे विच वो हथियारां दा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन गल ये है कि जिथों तक तो अमृतपाल सिंह दे वल्लों इस तरह की वीडियो पाउण दा संबंध है, उहदे संबंध में शायद पुलिस की कार्रवाई है जिहड़ी उहनूं कोई फल नहीं लगेगा। कारण यह है कि तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे 10वें पातशाह दे शस्त्र सुशोभित ने, जिथे हर रात 10 बजे तो बाद उन्हां दा जलाओ लाया जांदा जिहदे विच उन्हां दी एक बंदूक भी शामिल है। इस तरह बहुत सारे तख्तां दे उत्ते शस्त्र ने जिहड़े रखे हुए ने और जिहड़े शस्त्र जिथे रखे जांदे ने उह जिहड़ा मतलब चबूतरा हुंदा उह शब्द गुरु दे प्रकाश तों उच्चा हुंदा, तो उस हिसाब नाल शस्त्र क्योंकि 10वें पातशाह ने सिखां नूं दित्ते, केशाधारी और शस्त्रधारी खालसे की सिरजना की, और यह भी कहा गया कि शस्त्रण के अधीन है राज, अस कृपान खड़ग खंडो तुबक तबर और तीर, सैफ सरोही सहती यह हमारे पीर, यानी शस्त्रां नूं पीर का दर्जा दिता गया। उस संबंध में अमृतपाल सिंह ते कोई कार्रवाई जिहड़ी है वह नहीं हो सकती क्योंकि खालसे नूं यह दात मिली हुई है शस्त्रां की 10वें पातशाह वल्लों। पर गल यह है कि इस व्यक्ति की भूमिका की है, जे वह एक रहनुमा वजो उभारिया जा रहा तो फिर शब्द गुरु की अहमियत की है। सो ये गल्लां जिहड़ियां ने विचारन वालियां ने, इस बारे तुसीं की कहना चाहोगे? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ते जिहड़े लिंक्स हेठां डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हां ते साडे नाल सांझ पाओ और राजमहल टीवी दे यूट्यूब चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो।